अस्सलामुअलैकुम, हस्बे हाल में खुश आमदेद। मैं हूँ आफ्ताब इकबाल, आपका होस्ट। नाजिया और अजीजी मेरे साथ हैं। मुझे ये बताओ कि आज टॉक शो ही है या राइडिंग का मुकाबला है यहाँ पे? क्यों क्यों, ये क्या हुआ? ये जीन शीन क्यों पहन के आ गए? भैया आज संडे है, मेरा जो दिल चाह यार तुमने क्या आत चुकी हो यार, रोज को वन समन्ना लिबास पहन के आ जाते हो। जुम्मे वाले दिन तुम सिलक के महंगे महंगे सलवारे कमीजे पहन के आ जाते हो। तो और क्या, जो मेरा तो हफ्ते को तुम्हारा पेंट कोट नहीं टिकता, वो भी इम्पोर्टेड। अच्छा जो भी है, ये सिल्क नहीं होता, मेहरबानी करो। अच्छा यार जो भी होता है सिल्क। यार मैं यहाँ पे कोई उर्दू ठीक कराने नहीं आया हुआ तुमसे। सिल्क इंग्लिश का लफ्ज, अंग्रेजी हो या उर्दू हो जाने दो यार, खुदा के वास्ते। अच्छा तुम यूं किया करो, अभी भी जुमे वाले दिन शलवार कमीज पहन लिया करो और ऊपर ये सस्पेंडर्स पहन के आ जाए करो। बहुत अच्छे, शलवार कमीज के ऊपर गैलस पहन लू, ऊपर हैट भी ना रख लू ताकि वो कबूतर गायब करने वाला जादूगर लगने लग जाए। वो तुम अभी भी लगते हो। और यहाँ बैठ के तुम सादगी पे लेक्चर दे रहे होते हो और खुद क्यों नहीं सादगी अपनाते हो? मैंने कब सादगी नहीं अपनाई, कमाल है यार। ये सादगी है, कल जो तुमने पेंट कोट पहना हुआ था, तामने साथ तुमने वो जो सिल्क की शर्ट पहनी हुई थी, कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 हज़ार की वो शर्ट थी। सिल्क की नहीं, सिल्क की थी। सिल्क यार मैं नहीं भाई कहता सिल्क, मैं सिल्क ही कहूंगा। घड़िया इतनी महंगी महंगी लाखों रुपए की पहन के आ जाते हो। मुर्शिद पाक उनको तो एवं के हमने बदनाम किया हुआ है। बात सुनो, सादगी का मैं दरस देता हूँ अपने हुक्मरानों को। हुक्मरान सादा होंगे तो अवाम उनको फॉलो करेंगे, अवाम हमें तो फॉलो नहीं ना करते। हुक्मरानों के पीछे पड़ गया। और तुम खुद क्यों नहीं रोल मॉडल बनते? तुम नहीं कैमरे के सामने आते, तुम्हें नहीं लोग देख रहे होते? बेवकूफ शख्स, हमारी अपने जरूरियात हैं। जब हम कैमरे के आगे बैठते हैं, एक सेट पे आके बैठते हैं, लाइट्स का सामना करते हैं, तो मेकअप क्यों करवाते हो? नहीं तो तुम अगर सादे कपड़े पहन के आओगे तो बल्ब फट जाएगा जी, कैमरा के नक पे हाथ रख लेगा, कुर्सी के नीचे से निकल जाएगी। अगर तुम ये मुंह पे पफिंग ना करवाओ, आम हालात में पफिंग करवाते हो तुम? कम मेरी माता मारी हुई है। तो फिर यहाँ मैं अपने बच्चों का अब्बा हूँ या फूफी हूँ? तो यहाँ आने से पहले मेकअप क्यों करवाते हो, पफिंग? वो तो सिर्फ इसलिए कराते हैं कि जरा चेहरे की चमक जो है वो खत्म हो जाए, ग्लेयर आती है, इस तरह कैमरा माइंड करता है। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे आज ये शर्ट मैंने पहन रखी है, इस पर मेरे ख्याल हर कैमरामैन ने इतराज किया कि जनाब इसमें फ्लिकर आती है, आप इसका तो ख्याल रखना पड़ता है। ये कैमरामैन ने तुम्हें पूए चढ़ाया हुआ, वन सुवन्ने तुम्हें मशवरे देते हैं, फिर तुम डिजाइन पहन के आ जाते हो। अच्छा बात सुनो, मैं अपनी जेब से खर्च करता हूँ अपने ऊपर, हुक्मरान जो हैं मैं उन पे एतराज करता हूँ कि आप गुरबा का पैसा, आवाम का पैसा जाया करते हैं, वो ना किया करें। हुक्मरान बेचारे तो इस कदर अजीब अजीब लिबास पहन के आते हैं, अपने जरदारी साहब ही देख लो, पता नहीं मोटे हो गए यार, उनकी सारी बास्कटें छोटी हो गई है, शलवार कमीजें ऊंची हो गई हुई है उनकी, यानी लंबे भी हो गए। अल्लाह जानता है, वो तो वो मास्टर लगने लग जाते हैं जो स्कूल में लतीफे भी नहीं सुनाता साथ, बिल्कुल ही सादे हो गए। Yeah, I think Zardari Saab has put on a lot of weight. At least 10 extra kgs or maybe 15. मगर फिर पेंट कोट तो उनको ठीक लग रहे होते हैं, वो शायद नए सिलवाए हैं उन्होंने। नहीं नहीं, शलवार कमीज भी उन्हें अच्छी लगती है। नहीं अच्छी लगती है, मगर जब वो ऊपर कस के वास्कट बांध लेते हैं ना, फिर अजीब सा लगने लग जाता है, जैसे सिपाही की ट्रांसफर हो तो वो दूजे थाने जाने के लिए बिस्तर नहीं कस के बांध लेता। है वैसे स्मार्ट आदमी मुझे यार, लगते क्यूट है। नहीं बहुत स्मार्ट, स्पोर्ट्समैन थे वो, अब तो छोड़ गए, वो पोलो खेलते थे और बहुत फिट थे बहुत। मगर ये बाकी साथियों को क्यों नहीं बताते यार, ये जो रहमान मलक साहब ने 4,000 काले सूट सुवाए हुए हैं। उनकी मुझे समझ नहीं आती बाकी के, काले के अलावा आज तक मैंने कभी किसी और सूट में नहीं देखा। हो सकता उनका फेवरेट कलर हो। यार फेवरेट कलर है तो फिर वकालत करके उधर कचहरी आ जाए, हद हो गई। बाज लोग ना, बाज लोगों को ये कॉम्प्लेक्स होता है कि अपना कोई स्टाइल इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उनको फॉलो करें। अब खुदा करे कि वो अपने मकासद में कामयाब हो, लेकिन कोई बड़ा ही कम नजर होगा बेचारा जो रहमान मलिक की सेंस ऑफ ड्रेसिंग को फॉलो करे। वही काला सूट होता है, साथ उन्होंने कुछ 13,500 पिंक कलर की टाइयां खरीदी हुई। अजीब अजीब यार बंदे हैं लिबासों वाले। शीरी साहिबा को तुम देख लो। यार एक तो मैं शीरी साहिबा से बहुत, अल्लाह मेरा जानता है उनके मतलब को, ऐसी वैसी बात करते हुए मेरी जुबान जलती है, मगर मुझे एक इतराज है। Yeah. इतना वो सज धज के आ जाती है ना कि मैं फिर कोई और चैनल नहीं लगाता। जितनी देर वो स्क्रीन पे रहे ना, मुझे ईश्वरिया राय भी जहर लगनी लग जाती है। अच्छा यार अब शरी की जान छोड़ो, किसी और की बात कर लो यार। वैसे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ भी कमाल बंदे हुए हैं ड्रेस के हवाले से।
सिंध में जाते हैं तो वो शीशियों वाली लाल रंग की टोपी पहन लेते हैं जिसमें छोटे छोटे शीशे नहीं होते, पीछे उनका गनमैन टोपी में से मूछें ठीक कर रहा होता है। लेकिन जिस बंदे के लिबास की मुझे उकाई कभी समझ ही नहीं ना आई वो सलमान तसीर है। वो क्यों यार, वो भी अजीब ड्रेसिंग करते हैं भाई साहब। क्या तुम्हें इतराज क्या है? वो पेंट पहन लेते हैं पहले सूट की, कोट पहन लेते हैं तीसरे सूट का, शर्ट पहन लेते हैं छीवें सूट की, टाई लगा लेते हैं तेरहवें सूट की, और नीचे जॉगर पहन लेते हैं। यार हद हो गई है, इतनी मेहनत का फायदा क्या भाई। वो सिर्फ एक दफा उन्होंने ये किया है कि मल्टी कलर से कपड़े पहन के जॉगर्स पहन के आ गए थे, वो बड़ी जल्दी जॉगर पहनी हुई थी उनके ज़हन में, था कहीं तो भजना ना पड़ जाए। आप जो इतने बड़े डिजाइनर बन रहे हैं, आप इन्हें सजेस्ट क्यों नहीं करते क्या पहनना चाहिए? अल्लाह जानता है, मेरे कहने पे ये लिबास पहनना शुरू कर दे तो असेंबली को चार चांद ना लग जाए। मसलन क्या करोगे? मौलाना फजल उर रहमान साहब थ्री पीस सूट और लाल रंग की टाई पहने, स्कूटर की चाबी घुमाते हुए सीटी बजाते असेंबली में एंटर हो। यार बात सुनो, कुछ सवारी तो उनकी बेहतर कर। चलो यार, जिस चीज की भी होगी चाबी उनके पास वो घुमा ले, हद हो गई है। सवारियां भी अपनी जैसी बताता है, उनके अपने पास स्कूटर। कायम अली शाह साहब ने जीन पहनी हो वो जिसके गोडियों के ऊपर जेबें नहीं होती, और आपसी गुलाबी रंग की टी शर्ट पहनी जिसके यहाँ सलाइयों से धागे बाहर आए होते हैं, वो मेरे वर्ग के बंदे समझते हैं पुठी पहनी हुई। वो फैशन है, इडियट को फैशन। ओ यार पता है मुझे फैशन है, मैं दो तीन दिन अपनी शर्ट पुठी पहन के जाता रहा हूं, लोग पकड़ लेते थे कि शर्ट पुठी पहनी हुई। वो बनी उस तरह होती है ना, बनी इस तरह से होती है यार, खुदा के लिए। हाय लो, मैंने समझा पुठी पहने तो फैशन होता है। वैसे अल्लाह जानता है, हमायों अख्तर अब्दुर्रहमान ने धोती कुर्ता पहना हो, हाथ में होका हो, गुड़ गुड़ करता असेंबली में आए, वो हर लिबास में अच्छा लगेगा। ही इज अ वेरी गुड लुकिंग मैन। ले मेरे से शर्त लगा, तुम उसकी टेंड करा के उसकी धोती कुर्ता पहनाओ, तुम्हारी हंसी ना निकले तो तब। मेरी हंसी अभी निकल रही है। वैसे ईमान से चौरी शिजाज साहब ने चूड़ी पजामा पहना, ऊपर साइड वाले गले की कढ़ाई वाली कमीज पहनी हो, असेंबली में घुसते ही वाजा आगे रख के गजल यार करना। सारी हुकूमत उनके पैर ही ना पड़ जाए तो तब। नजरात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।